एक आज मैं आपको बताऊंगा कि सोलो में एनिमीज को कैसे किल करें और इजी कॉन्करर पुश करके बढ़िया फ्रेम ले सकते हैं। जैसे अब ये बंदा आया, आप देखिए इसे कैसे मारते हैं। ठीक है, उसने सीट चेंज। तो गाइस यहाँ पर ये एनिमी किल हो चुका है। अब मैं आपको ऐसी बहुत सी वीडियोस दिखाऊंगा, आप देखिए। तो गाइस अब हम यहाँ से जा ही रहे थे कि मेरे को ये शैक के पास एक ये बग्गी दिखी। मेरे को लगा कि इसके अंदर बंदा होएगा, तो मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं एक बार नेड। तो फिर मैंने नेड का सोचा कि इसके अंदर नेड मार के उसको किल कर देते हैं। तो मैंने नेड मारा, देखो क्या होता है। ये नेड मैंने सोचा एक और नेड मारूं, पर वो पहले नेड से ही फट गया। तो गाइस सामने फाइट चल रही थी, तो मेरे को लगा कि वहाँ पर एक एनिमी किल हो गया, बट मैं एनिमीज़ के बीच में फंस गया था। तो देखिए यहाँ कैसे निकलते हैं। मेरे को लगा पीछे बंदा था, पीछे वाले मेरे को मार रहा था। ये देखिए ऐसे इजी, मतलब इजी तरीके से अपने मार सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत ही इंटेंस मतलब मोड हो जाता है। मैंने सोचा कि चलो ऊपर बंदा है, मेरे को उसके तो आवाज़ आ गई थी, तो मैंने यहाँ पर नेड खींचा कि अभी मैं सोचा चलो उसको नेड से मार देते हैं। बट उसको नेड मारा ही था, वो जंप कर गया। अब यहाँ पर देखो कि होता है, मैंने उसको तो मारा वो एकदम से राइट साइड में आया और कर दिया। आप ये वाली वीडियो वापस देखिए और मैं आपको ये वीडियो स्लो मोशन में दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने उसको मारा, अब वो बंदा राइट पूरा ही चल गया, वो देखो। अब ये मुझे समझ नहीं आया कि इसने हैक करके मारा या कैसे मारा। चलो चला जाओ आ गए। मतलब हम रोजोक से लूट करके निकले थे कि मैं अपने मतलब सीधा जा रहा था, मेरे को कोई वो नहीं था। मैं पीछे से एक AKM की फायरिंग आई, वो बंदा बोल रहा है कि मुझसे फाइट लेने के लिए आओ। तो फिर चलो फिर चलते हैं उसके पास। मेरे को लगा कि वो बंदा ये वाले कंपाउंड में, पर पता नहीं था वो था कहाँ। वो बंदा बग्गी लेके भागता है, मेरे को लगा कि वो इस वाले घर के अंदर होएगा, पर वो इस वाले घर के अंदर नहीं था। फिर मैं सोचा चलो चल के देखते हैं क्या है। तो फिर उसने बग्गी निकाली और वो भागा। मैं सोचा चलो इसको तो अब किल करना ही है किसी भी हालत में। तो मैंने इसके ना पीछे बग्गी लगा ली, भाई चलते हैं क्या बनता है। जाते रहे, ये घुमा ही जा रहा है मुझे। मतलब अब ये मुझे मतलब कभी राइट जाएगा, कभी लेफ्ट जाएगा, कैसे ना कैसे मतलब चलता जाएगा, देखना। चलो इसको देखते हैं आप कैसे किल करते हैं। तो अब ये यहाँ पर एक किल हो गया, बहुत ही इजी तरीके से किल हो गया है, तो मतलब अच्छा लगा। तो अब ये वाली क्लिप के अंदर देखिए, मुझे शैक के अंदर बंदा दिख जाता है। ये अब देखिए, ये वो बैठा। तो अब उसको देखिए, लोग बोलते हैं कि स्टन, मतलब मैंने उसको स्टन की मदद से मैंने उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से मारा। आप देखो एक बार, मेरे पास नेड स्मोक तो था नहीं, तो मैंने सोचा चलो चल के मारते हैं इसको। ये दिख रहा था मेरे को थोड़ा थोड़ा, पर लगी नहीं। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने स्टन खींची, उसको लगा मैं नेड मार रहा हूँ, तो वो चल के वापस मतलब शैक के पीछे चल गया। तो मैं सोचा चलो एक इसको स्टन मारते हैं फिर आगे चलते हैं। मैंने उसको स्टन मारा और अब देखो कि स्टन उसको लगी ऐसे, मतलब स्टन भी बहुत काम आती है सोलो के अंदर। सोलो मतलब हर चीज़ ठीक है। अब सामने वाले शैक के पीछे आ गई बाइक, मैंने सोचा अब उसको भी मारते हैं चलो। तो उससे पहले मैंने सोचा कि चलो यहाँ होल्ड करते हैं थोड़ा, अगर वो सामने वाला कोई गलती करेगा उसको तभी मार पाएंगे ना। इससे पहले कि मैंने फिर दूर देखा वहाँ से आ रहा बोट। अब मैंने सोचा कि बोट का फ़ायदा उठाते हैं
अगर सामने शेक वाला बंदा बोट को मारेगा, ये देखिए अब वो बोट आ रहा है सामने से। अब मैंने सोचा ये शेक वाला बंदा बोट को मारेगा तो मैं इसको किल कर दूंगा, बट सामने वाला बंदा बोट को मार ही नहीं रहा था भाई, पता नहीं। फिर मैंने उसको एक स्प्रे मारा ही था, वो लगा नहीं, तो पता नहीं। हाँ फिर इसको सामने वाले नहीं बंदे ने मतलब किल कर दिया। मैं कहा चलो ये बंदा ही मर गया। यहाँ से गाड़ी लेके निकलते हैं, जन की तरफ चलते हैं। तो सोलो में यही है कि अपना कवर बना के रखो, सेफ खेलो, कॉन्करर इजी जाओगे। कॉन्करर ही जाना है, केडी कूडी कुछ मैटर नहीं करता है इसके अंदर, बस कवर में रहो और बढ़िया खेलो। अब यहाँ पर बोट आया था, बोट मार के लूट करके निकलते हैं। फिर अब आगे जाते हैं तो यहाँ पर मैंने ड्रिंक मार रहा, मैं सोचा सामने ड्रॉप आया हुआ था, मैं सोचा ड्रिंक मार के ड्रॉप पे चलते हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। मैं जा रहा तो सामने मुझे डासिया दिखी, मैं सोचा डासिया वाले को मारते हैं, चलो डासिया वाले को ठोका। वो बंदा पहले मुझे फायरिंग दे रहा, मैं कवर में रहा, मैंने फिर उसको मारा, इतनी देर में मेरे डीपी बढ़ने लगी। ये डीपी वाला मेरे मार रहा था, ये डीपी वाले ने मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा डैमेज कर दी थी। मैंने सोचा इधर हेल्थ बना के फिर चलते हैं, मेरे पास मैंने सोचा स्मोक स्मोक करते हैं, पीछे स्मोक करके वो सामने वाली डासिया लेके निकलते हैं, डीपी वाले को मार के आते हैं। तो फिर ये मैंने स्मोक किया, अब ये स्मोक दे रहे हैं, बग्गी आ गई। मैंने सोचा ये बग्गी का डीपी वाले का ध्यान, ये बग्गी वाले पे चल जाएगा और मैं डासिया के पास चल जाता हूँ। तो मैं भाग के डासिया के पास गया, डासिया लेके चलते हैं अपने, देखते हैं कि आगे कोई बंदा मिलेगा तो उसको मारेंगे। अब यहाँ से फायरिंग आ तो रही थी बट वो पता नहीं था वो है कहाँ पर। तो फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर तो कोई मिला नहीं। अब नीचे जा रहे तो यहाँ डासे के पास एक बंदा दिखा, अब इसको देखो कैसे मारते हैं। फायरिंग दे जा, वो लिटरली लास्ट गोली में पूरा किल हुआ, उसको लास्ट गोली लगी भी। तो फिर चलते हैं, अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था भाई। मैंने सोचा कि मैं इस बंदे को किल करते हैं, चलो मेरे मतलब होता है ना हर बंदे में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हर बंदे को किल कर ही देंगे, तो मैंने इसे मारने की ट्राई की। मेरे को पता लग गया था कि वो मेरे से मतलब ये वाली लोकेशन से नहीं मरने वाला, तो मैंने सोचा हेल्प करते हैं, तो गाड़ी लेके निकलते हैं। तो फिर मैंने पीछे गाड़ी की तरफ देखा, मैंने सोचा निकलते हैं यहाँ से। अब गाड़ी तो फटी हुई है, तो मैंने कहा चलो फाइट ले लेते हैं, जो होगा मजा आया। तो हम यहाँ किल हो गए। सो अगर गाइज आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करके जाना, मैं ऐसे ही आपके लिए सोलो की वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू।